टेस्ट कराना है जबरदस्त। ये क्या है? घेवर है, तू खा के देख, तू खा रहा बहुत देर से। कौन सा अच्छा है भैया? कौन सा टेस्ट कराए इनको? ये अच्छा ही है, ये मलाई थोड़ा सा बेक कराना। ये लेना। अच्छा ये है, ये ज्यादा बढ़िया। पता कौन सा है? मलाई वाला। ये वाला दो भैया, तुबा को छोड़ रहे एक मिनट के लिए, जो लेना होगा ले ले। तुबा जो चाहिए। दे रहे हो क्या इसको? टास्क इसका एक मिनट में तुबा उठा ले। नीचे करा दे सारा, उठा तो मैं लूंगा बाद में। ले ले जो लेना है। टिक टिक वन मान जा तुबू, तुबू नीचे करा दे, उठा तो मैं लूंगा एक मिनट का। मैं तो उसका साथ भी दे रहा हूँ। ये पक्का ले लूँ और कुछ देख लो। ये बिल्कुल आप पे नहीं, ऐसे किचन में छोड़ दो। ये भी ले लूँ, बहुत कुछ कर। एक मिनट में और बताओ और क्या लेना। देखो देखो क्या लेना है। दाल नमकीन। और बताओ और बताओ और बताओ क्या लेना है। और देखो ये तो हो गई, ये ले सकते हो काजू मिक्सर। काजू मिक्सर और बताओ आलू भुजिया भाई खाता है। ये ले लिया, ये ले लिया। बस मेरा भाभी एक मिनट हो गया। घेवर भी आधे किलो घेवर। को पता है अच्छी भाभी, एक मिनट टाइम हो गया था इसका खत्म। अभी लेकर आइए, बच्ची आप ही की बच्ची है, कोई बात नहीं चाहिए। थैंक यू तुबा, दे दो बेटा। गाइस मैं आपको बताता हूँ, आपको आज पायल भाभी ने इतना मोटा खर्चा कर दिया है, 800 रुपए का घेवर ले लिया सिर्फ टीम के लिए। मोटी चैन, मोटा पैसा, दिखा दो कोई। अच्छा भाभी रसभरी वगैरह तो भूल ही गया, ये नहीं बोल रहा। ये अभी पार्टी में तो ये भी खुलेगा सब। अच्छा अच्छा, फिर तो बिल्कुल ज्यादा कर दिया है, बजट भी घट गया है। कोई तेरे से मैं ब्याज को पैसे ले लूंगी, ले लियो जो तेरी सैलरी आएगी ना। अरे सैलरी क्या, कड़ा बेच देंगे। नहीं ये बेचने बेचारे वाले काम नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए तुबा? भाभी आप ना पार्शियलिटी करते हो, आप ऐसे बोलते हो कि तुम हमारे बच्चे ही हो। तुमने तुबा को बोल दिया एक मिनट का चैलेंज, मेरे को दो एक मिनट में, देखो क्या क्या उठाऊंगा। मुझे पता था तुबा इतना सब कुछ उठा नहीं पाएगी, तेरा मुझे पता है, तू जोड़ी भर लेगा। 400 कितने, 4-5 हजार रुपए की बात होगी, एक बार देख लो। मैं 4-5 की भाई ऐसे बोलिए सारी लाइन, इतनी मुश्किल से तेरा पेट अंदर हुआ है। मैं नहीं खाऊंगा, मैं जिम करा के इसका पेट अंदर कर रही हूँ। मैं नहीं खाऊंगा, पर एक बार देखो तो कितने उठा सकता हूँ। टाइमर लगाते, रुक जा टाइमर लगाते। योर टाइम स्टार्ट नाउ, गो। देखो 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 काजू वाली चीजें उठा रहा है, सारी महंगी चीजें उठा रहा है ये भाभी। क्या है तो भाई, भैंस बन जाएगा। हाथ में नहीं आएगी तो वो चीज दूंगी नहीं मैं, लेके चीजें हाथ में आनी चाहिए। ये पहले इतना फैला हुआ है और कितना फैलेगा देखना। चीजें हाथ में आनी चाहिए, देखो देखो। और भाई गिरना नहीं चाहिए कुछ भी। इतने बहुत डाटा कैसे तुम्हें इसको? और सुन नहीं, मम्मा मारी किसको? मम्मा चुपकी चुपकी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो, 80-90 पूरे 100, जिसका हाथ जो है वो पहनेगा चूड़ी। मनो आजा, दो दो तो किसी को नहीं आएगी, दो दो मुझे ही आएगी बस। आजा, सावन में चूड़िया पहनते ग्रीन। देखो ये लकली ग्रीन सूट भी पहन के आई है, ये तो ग्रीन सूट भी पहन के आई है घर से, हम ही रह गए पीछे बस। दो चार है, दो छह तेरा। ला 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 ला, इस लड़की का हाथ जल गया था भाई। ये वाला हाथ भारी है तेरा, ये हाँ, तो खुद ही डाल ले बहू, खुद ही डाल। ये दीदी आपका साइज क्या? मेरा छोटा है। आप तो पहनती नहीं हो, आप हर बार छुड़े देते हो, पहनती नहीं हो। पड़ी हुई पहले वाली भी ऐसे पड़ी पड़ी क्या, एक की दो होगी। मैं खाली मत डाल के आती। नहीं हाथ खाली मत रखा करो, डाल। अब लोग मुझे कहेंगे खुद के हाथ खाली रहते तो कुछ नहीं डांट रही है। ठीक है, अच्छी लगती है। हमारा तो काम ऐसा है, कभी कुछ पहनना पड़ता है, कभी कुछ पहनना पड़ता है। आप सूट पहनते हो ना हमेशा? पहना करो। नहीं आ रही लक्ष्य को, नहीं आ रही भाई। मैंने दुकान वाली को बोला था, मैं कहा दो छह, आपको मेरा साइज पता हो। मैंने बोला 2-8 दे दे, कह रही नहीं लड़कियों के हाथ बहुत, कह रही नहीं बहुत बड़ा है, हमारे घर की लड़की है ना उसका हाथ बहुत मोटा है। कह रही नहीं नहीं 2-6 से बड़ा तो आएगा ही नहीं, 2-6 लेके जाओ। अरे सब पोपट हो गया। अरे कोई नहीं, 70 रुपए कैश दे देंगे हमको। 70 रुपए की चूड़ी है, बेइज्जती करा रहा है। 50-60 की तो थी वो, भी ले गया तो साथ में भी बेइज्जती करा। किसी के इमोशंस को नहीं पैसों से तोल देता है। अच्छा मेरे ऊपर ही बात खेल रही है, तो मजाक कर रहा हूं। भाभी स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं। रहने दे, हट निकल यहां से। दीपक तू पहनेगा? हंसने की क्या बात है, उसका दिल करेगा तो पहन सकता है। कड़ा पहन लेती यार, जब वो अच्छा जब वो लहंगा लहंगा पहन सकता है तो सामान में थोड़ी नहीं पहन सकता। ले दीपक तू ये कड़ा पहन ले यार, कैसी बात कर रहा है। इसको 2-10 शायद नहीं, आपके मुझसे ज्यादा बड़े हैं। देखो मोटे कितनी उंगलियां, 2-4 से 2-2 पे आ गई है। देख 2-2, 2-10, 2-8, 2-4 चल तेरा मारूंगी जो लगा लो। कितने की लगाएगा? चल मैंने अभी दिल्ली में पहना था। ये ले 2-4, ये ले आजा जल्दी आ, आज 2-4 है चैलेंज। ये ले 2-4 है, आजा आजा पहन के दिखा। सर कितने की है दीपक भाई, जल्दी बताओ। क्या खिलाएगा भाभी आज? की खाना है। तू तो वैसे भी डाइट पे, तू क्या खाएगा? चल ले एक मिनट, दही बल्ला हो गया सारे। भाभी दही बल्ला तो खा ही लेते हो ना? नहीं मुझे नहीं खाना भैया, छोटे में हार गया। दो भी हमारे पास नहीं, 2-6 भी हमारे पास। तू 2-4 कह रहा है, तू 2-6 पहन के दिखा दे बस। अपने आप को ऐसी कली समझते पूरी, मैं तो पतली सी कली हूं। भाई दही बल्ला तैयार होते हैं,
ढोल वोल बजाते हैं, थोड़ा घर में रौनक लगाते हैं। बहुत दिन हो गए मायूसी मायूसी मिल जाए तो देख, नहीं तो मैं भेजती हूँ किसी को। सूरज भी तो नहीं है ना, सूरज को भेज देती हूँ वरना। तो भाई टीम के लिए आया है घेवर, तो अब हम सेलिब्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं सावन की। सबसे पहले हम चढ़ाएंगे मंदिर में, उसके बाद देंगे सबको खाने के लिए। तो गाइस जब भी घर में कोई सेलिब्रेशन होता है ना, मतलब खाने पीने की चीज होती है, जो कोई हो ना हो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कौन होता है। द वन एंड ओनली नीशु। तो नीशु आ चुका है अभी सेलिब्रेशन के लिए। घेवर हाँ घेवर। तो बस अभी लड़कियों का प्रोग्राम तो हो गया, अब लड़कों का प्रोग्राम कर गया, क्योंकि सावन तो लड़का लड़की दोनों का ही होता है ना। घर वाला मैं इसलिए घर वाला बनाती हूँ, मीठा ज्यादा नहीं है इसमें। बीकानेर पे गई थी मैं, पर मैं वहाँ से रसमलाई लेके आई। बीकानेर? अच्छा ठीक है, मैं तो ये बोलता था कि मीठा ज्यादा नहीं है, बता दिया। खा लिया आज का एक ही कमेंट है जो कि लक्ष्य ने निकाला। लक्ष्य ने बोला दीदी एक कमेंट जरूर पढ़ना, तो मैंने कमेंट पढ़ लिया है। कमेंट है डिंकी बोला का, पायल जी एक बात बोलनी है, आप हमेशा अरमान जी को गुड्डू बोलते हो, गोलू ने कभी नहीं बोला। नोनी नोनी बोलती थी वो, अब उसने आपका नाम बोलने का हक भी छीन लिया है। आप वो सबके सामने गुड्डू गुड्डू करती है, लेकिन आपने ये अरमान जी को नाम दिया था, हमें ये अच्छा नहीं लगता, आपके मुँह से अच्छा लगता है। वैसे और बिग बॉस ओवर एक्टिंग बहुत कर रही है, गोलू हेयर को बार बार खोल लेती है, और बाहर आ गई तो आप बोलना कि ये क्या करती रहती है, वो बार बार हेयर ओपन बंद करना बहुत ओवर लग रहा है। शिवानी से लड़ाई, वो इसका मतलब वो आप से भी बहुत लड़ाई हो गई। और जब बिग बॉस अरमान जी सोने लगे तो पहले मॉर्निंग में अरमान जी ने बोला, गोलू तुझे नींद नहीं आ गई होगी मेरे बिना, तू वो क्या बोली आपके पास पायल सो गई थी, मैं क्या करती, अलग दिख रही है, बिग बॉस अलग है, जो भी ब्लॉग में देखी थी वो रियल नहीं है, अपने सिस्टर छोटी बच्ची की तरह केयर करती हो, कोई काम नहीं करने देती हो, अब बिग बॉस काम करना होता तो करती है। पायल जी दिल से बोल रही हूँ, आपके वीक और टेंशन में हो, अंदर से आपके साथ गलत हुआ है, बिग बॉस में बाहर निकाल है, लेकिन आपको देख लग रहा है कि आप अंदर से बहुत कम है, लेकिन हिम्मत वाली हो आप। तो डिंकी बोला जी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, लेकिन इन चीजों के पीछे कुछ और चीज है। देखो जैसे बिग बॉस की बहुत सारी क्लिप निकलती है ना, जैसे एक वीडियो वायरल थी जिसके बारे में मैंने बोला, और आज कुछ जियो सिनेमा ने उसके बारे में बताया कि वो फेक वीडियो है, वो उनकी वीडियो नहीं है। ऐसे ही मैं बता देती हूँ, जब गोलू ने गुड्डू बोलना शुरू किया ना, तो उसने सबसे पहले मुझसे परमिशन ली थी कि पायल तू गुड्डू बोलती है, मुझे ना गुड्डू बोलना ही अच्छा लगता है, क्या मैं भी गुड्डू बोल सकती हूँ। तो उसने मेरी परमिशन से ही वो गुड्डू बोली है। दूसरा कि ऐसा नहीं वो, हाँ उसका एक्चुअली बाल बहुत छोटे हैं, तो उसको ना वो अनकंफर्टेबल होती है, कभी छोटी बनाती है कभी खोल के देखती है, तो वो उसका नेचर है, वो ऐसा दिखावा नहीं कर रही, उसका नेचर है। मैं उसे डिफाइन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ इतने साल से रह रही हूँ, तो मैं उसे जानती हूँ। ऐसे जब मैंने हर बार ये कहा कि अगर आप
कोई भी बंदा आपके लिए नहीं बोल रही, आप तो हमें प्यार कर रहे हो बहुत दिन से, हमें देखते हो तभी इतनी सारी चीजें आपने कमेंट में लिखी है। कोई भी अगर दूसरा बंदा हमें देखता है और बोलता है ना, तो मैं यही कहती हूँ कि आप पहले हमारे साथ टाइम बिताओ, हमें देखो परखो, उसके बाद टिप्पणी करो। तो वैसे आपके इस कमेंट में कुछ भी नेगेटिव नहीं था, जो आपने देखा आपने वही बोला, उसके पीछे की जो चीज है वो आपको नहीं पता है। तो मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ, गोलू ने गुड्डू बोलने से पहले मुझसे पूछा था कि मैं गुड्डू बोल सकती हूँ, तभी उसने गुड्डू बोलना शुरू किया है। और अरमान जी ने जब पूछा, क्योंकि हम क्या है ना कि गोलू हमेशा मेरे साथ सोती थी, अब इसका भी रीजन बता देती हूँ कि अरमान जी ने क्यों बोला कि तेरे को नींद आ गई थी मेरे बिना, क्योंकि गोलू हमेशा यहाँ पे, हम आपने अगर देखा होगा हमारे ब्लॉग्स में, मैं चीकू और गोलू हमेशा हम तीनों एक साथ सोते थे, तो वो कभी भी अकेली नहीं सोई है। तो उसने यही बोला था कि पायल आपके साथ सो गई थी तो इसलिए मैं अलग सो गई, तो उसका कहने का मतलब था कि वो मेरे साथ सोती थी इसलिए उसे नींद नहीं आई। और क्या था रीजन, काम ऐसा नहीं है, वो भी काम करती है, मैं भी काम करती हूँ, हम बराबर पूरे घर को संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं। तो बस यही था मेरा आपको इस कमेंट का आंसर, शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप ये नहीं सोचना कि मैं उसे डिफाइन कर रही हूँ, जो चीज है मैं वही बता रही हूँ। तो बस इसके साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मुला। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, जय गुरु जी की। सब लोग खुश रहो अपने अपने घर में, सबको सावन की शुभकामनाएं, हर हर महादेव।